प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि सीढ़ियों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। घर, मकान, ऑफिस, मॉल, फार्म हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसमें सीढ़ी क्लॉकवाइज अगर है तो आपके जीवन में 5 बीमारी कभी नहीं हो सकती। नहीं तो आदमी इन 5 बीमारियों से जूझता है और ऊपर की मंजिल चढ़ने में नानी याद आती है, और तीसरी चौथी मंजिल अगर कहीं हो तो फिर तो आदमी बैठ जाता है, वो सोचता है लिफ्ट लगवा लेता हूँ। और फिर उन्नति जबरदस्त क्यों होती है, प्रोग्रेस क्यों होती है, और सीढ़ी अगर आपकी विषम है तो और उन्नति क्यों होती है, और सम सीढ़ी पर उन्नति क्यों रुक जाती है। आज का विषय यही रहेगा और आज मैं इसी चीज़ की जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हमारे जो होते हैं वो ज्ञान वाले होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और हमारे शास्त्रों पर आधारित होते हैं। अब शुरुआत करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप मकान बना रहे हैं, आपने ठान लिया कि मकान बनाएंगे, या आपकी सीढ़ी गलत दिशा में है या गलत बनी हुई है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं उसमें, या रेनोवेशन जब करें तो उस सीढ़ियों को हमें बुला करके आप चेक करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 5 बीमारियां क्यों होती हैं। आप जब इस तरीके से चलते हैं क्लॉकवाइज, आपको पता है जब घड़ियां बड़ी थी तो एंटी क्लॉक थी, उनको इस प्रकार से बनाया गया था जैसे पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, इस प्रकार से घड़ी को बनाया गया था। लेकिन घड़ी टाइम नहीं सही दे पाती थी क्योंकि पृथ्वी का और सूर्य का जो मूवमेंट है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, उसमें जो उनका एयर प्रेशर था उसके कारण उसका टाइम डिले हो जाता था। फिर वैज्ञानिकों ने उसको एंटी क्लॉक कर दिया, ऐसे कर दिया। तो सूर्य की गति ऐसे, सूर्य अपनी एक्सिस पे जैसे घूमता है उस एक्सिस के हिसाब से उन्होंने उसको बना दिया। तो अब होगा क्या कि सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से ले लिया, क्योंकि सूर्य सभी गतियों को घुमाता है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक ट्रेन जा रही है आपके बगल से और आप ट्रेन के उल्टी दिशा में साइकिल चला रहे हैं तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, और ट्रेन जा रही है और आप ट्रेन की दिशा की तरफ ही आप चल रहे हैं तो आपकी जो साइकिल है ना बिना पैडल मारे हुए आगे भागेगी। इसका मतलब आपके बॉडी का वेट एकदम डबल हो जाता है और डबल कम हो जाता है, यानी जब ट्रेन चल रही है और ट्रेन के साथ सड़क पर आप चल रहे हैं तो आप पैडल मारो या ना मारो लेकिन आपकी साइकिल की स्पीड जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी और वो अपने आप चलेगी, बिना पैडल मारे चलेगी, जोड़ने लगाना पड़ेगा। उल्टी दिशा में आपकी हालत खराब हो जाएगी, स्पीड टूट जाएगी, आपकी सांस चढ़ जाएगी और साथ में आपकी जो ताकत है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। ये एक सिद्धांत है सूर्य और पृथ्वी का घूमने का सिद्धांत है। तो यही सिद्धांत हमारी सीढ़ियों पे लागू होता है। अगर आप क्लॉकवाइज सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगी सूर्य की, क्योंकि सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है, ऐसा आपको फील होता है। तो अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर आपका चढ़ान हो रहा है तो इसका मतलब आपको वेट नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि हवा पूरब से पश्चिम की ओर बहती रहती है। तो इसका मतलब आप हवा के साथ साथ ऊपर चढ़ रहे हैं, एयर प्रेशर के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं, वायु के प्रेशर के साथ चढ़ रहे हैं। तो आपका जो वजन है ना, वो वजन मान लो 100 किलो का, 100 किलो के साथ अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको वो 100 किलो ही मुश्किल से फील होगा और कम भी फील होगा, 80 किलो भी फील हो सकता है वो, क्योंकि आपकी ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं आप। अगर आप एंटी क्लॉक चढ़ रहे हैं ऐसे तो आपका जो 100 किलो वजन है वो करीब 120 से 30 किलो वजन आपको फालतू दिखाई देगा। अब क्योंकि आप उल्टी दिशा में चढ़ रहे हैं, हवा ऐसे आ रही है और आप ऐसे चढ़ रहे हैं, ऐसे चढ़ने से क्या होगा तो जो एयर प्रेशर बॉडी का वो एयर वेट बढ़ा देता है, एयर वेट बढ़ाएगा आपका, तो अब वो 5 बीमारियां पैदा होंगी जिनकी मैं जानकारी हूँ। अगर आप ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो आपका वेट लाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको,
इतनी सांस नहीं चढ़ेगी आपकी, पैरों में दर्द नहीं होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपके घुटनों में दर्द शुरू होगा। पहले जिनकी सीढ़ियां अगर क्लॉकवाइज हैं तो उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि बुढ़ापे के हिसाब से तो सब। एंटी क्लॉक अगर हैं तो आपके पहले घुटनों में दर्द होगा, एंकल्स में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, धीरे 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 वो दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपके जॉइंट खराब होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको हार्ट की बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बार बार जब आप चढ़ेंगे तो आपका हार्ट डिस्टर्ब करेगा, फिर अटैक की बीमारी आनी शुरू हो जाएगी और सांस की बीमारी चढ़ जाएगी। पांच बीमारी आपको कभी होंगी नहीं अगर आपकी सीढ़ी क्लॉकवाइज है। इसलिए इन सीढ़ियों का एक वैज्ञानिक रहस्य होता है। अगर मान लो चार मंजिल या तीन मंजिल आपको चढ़ना पड़े एंटी क्लॉक, तो आपकी सांस टूट जाए। हमारे एक मित्र थे काउंसलर, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनको तीन मंजिल सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, डॉक्टर को रात को उनको हार्ट अटैक आ गया, बड़ा दुखद, बहुत प्यारा इंसान था, दिव्य आत्मा थी। और जब मैंने पता किया तो पता चला कि हॉस्पिटल में तीन मंजिल सीढ़ी चढ़े थे, उतर के भी आ गए थे और रात को उनको हार्ट आ गया। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं आप अगर एंटी क्लॉक चढ़ रहे हैं तो आपका शरीर पर बहुत जोर पड़ता है, ये इसका वैज्ञानिक आधार होता है। तो अगर आपकी सीढ़ियाँ भी इसी प्रकार की हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। अगर उनको तोड़ नहीं सकते तो आप उनको जब भी कहीं मौका लगे तो दूसरी सीढ़ी आप लोहे की बना सकते हैं, तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको आएगा। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपके धन की प्रोग्रेस होगी और उन्नति भी होगी। उन्नति इसलिए होगी, जब आप आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे तो आपको तनाव नहीं होगा और ब्रेन अच्छे से काम करेगा, उतरेंगे तो आपको तनाव नहीं रहेगा। जब मन और ब्रेन बुद्धि सब ओके रहती है तो आपकी सोच बहुत अच्छी रहती है, और जब आप सीढ़ी पे भी चढ़ेंगे तो उन्नति की तरफ आपका ब्रेन होता है और आपकी सोच भी बहुत पॉजिटिव रहती है। और जब आप थक थक करके आप ग्रिल को पकड़ पकड़ करके, रेलिंग को पकड़ पकड़ करके चढ़ेंगे, सांस लेते चढ़ेंगे, तो फिर आप सोच नहीं पाते। इसलिए विधि का विधान वास्तुदेव का विधान होता है, इसको घरों में जरूर फॉलो करना चाहिए। आप अपनी सीढ़ियों को बनवा सकते हैं, प्रॉपर सीढ़ी ठीक कर सकते हैं, इससे आपको बीमारियों से निजात मिलेगी निश्चित तौर पर, ऐसा मेरा मानना, मेरा अनुभव है। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा पता नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-860-90, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी